हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, तो आप लोग कैसे हो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का ब्लॉग मैं बनाने वाली हूँ, तो सोचा कि पहले अपने सब्सक्राइबर के साथ बात कर लूँ। तो आजकल आपको पता है कि सर्दी का मौसम है और बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गई है। हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, बहुत सारे टूरिस्टर घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो मनाली साइड भी बहुत सारे गए हैं और शिमला कुल्लू साइड भी बहुत ज़्यादा आते हैं लोग घूमने के लिए, तो अपना अपना इंजॉयमेंट करते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी सर्दी। तो आप लोग भी हमारे हिमाचल घूमने जरूर आइए, हमें भी अच्छा लगता है कि बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी आते हैं हमारे हिमाचल में घूमने के लिए। तो आज के ब्लॉग में मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को विश करना चाहती हूँ, जो मैंने पिछले कल नहीं किया था, तो वो मुझसे बहुत नाराज हो गए हैं शायद लगता है। तो एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जीत हरियाणवी ब्लॉग, तो वो हमारा ब्लॉग डेली देखते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि पिछले कल उनका बर्थडे है 5 जनवरी को, तो मुझे शायद दिमाग से निकल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उनको विश कर दूँ, नहीं तो फिर वो बोलेंगे कि मैंने बोला भी था तब भी उन्होंने नहीं बोला। तो जीत हरियाणवी ब्लॉग, तो आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। और एक हमारी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा था कि मेरी बेटी का बर्थडे है, तो उनका बर्थडे भी 5 जनवरी को नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि वो बताना भूल गए हैं, लेकिन आप नेक्स्ट वीडियो में ले लेना उनका नाम। तो सुजाता सिंह का बर्थडे भी था कल, तो उनको भी मेरी तरफ से मैनी मैनी रिटर्न ऑफ द डे हैप्पी 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 बर्थडे। चाहे मैंने लेट ही विश किया, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हमारी तरफ से मेरी पूरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली भी उनको बर्थडे विश करें। तो आज का ब्लॉग मैंने बनाया है कुछ बहुत ही फैंटास्टिक, तो देखना मत भूलिएगा और कंटिन्यू हमारा ब्लॉग देखिएगा। और आप सभी को पता है कि महामारी भी फैल रही है, हालांकि वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन फिर भी आप अपने हाथों में ही अपना बचाव होता है, तो अपना बचाव रखें। और क्या कहूँ, और मिलते हैं अब ब्लॉग में ही। तो डियर फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं कुछ इस तरह से। तो हम लोग गए थे अपने गांव वाले घर, और जाकर देखा तो हम सब हैरान हो गए, क्योंकि जो हमारे घर के पास सड़क बनी हुई है उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, बहुत ही खस्ता हालत इसकी हो गई है। तो अभी ये रोड पक्का नहीं है, तो देख लीजिए आप यहाँ पे किस तरह का बना हुआ है। तो पिछले कल बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई और आज दिन को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो जिसके कारण ये रोड बिल्कुल ख़राब हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको अपने घर का नज़ारा दिखा देती हूँ, किस तरह का नज़ारा बना हुआ है। तो हम लोग गए हैं अपने गाँव वाले घर किसी खास काम से, तो यहाँ पर देखिए लोगों को चलने में भी बहुत कठिनाई हो रही है। तो ये है हमारे ट्रैक्टर जिनकी सहायता से हम अपने खेत जोतते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तो ये देखिए अब हम लेके जा रहे हैं कद्दू। तो क्यों लेके जा रहे हैं? तो ये कहाँ लेके जाने हैं? ये ले जाऊंगी मैं अपने मायके। अच्छा, क्योंकि उनकी मायके में है स्मायरा का बर्थडे, तो ये स्मायरा के बर्थडे के दिन इनका बनाया जाएगा खट्टा। अच्छा, कद्दू का खट्टा बनेगा इनसे। और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स स्मायरा के बर्थडे पे आ जाए, सादर आमंत्रित है। ठीक है, ये कर रहे हैं हम सामान इकट्ठा स्मायरा के बर्थडे के लिए। तो ये कद्दू और ये पेठू, हमारी लोकल भाषा में बोला जाता है, और थोड़े से चावल वगैरह। ये पेठू ना, इसका बनाएंगे हम मीठा ना, और इसका बनाएंगे खट्टा। ठीक ले गाइस, पिछले 2-3 दिन से मौसम बहुत ही बिगड़ गया है, और देखिए रास्ते कुछ ऐसे हो गए हैं। तो ये मेरे पीछे देखिए, आप देख रहे होंगे प्रियंका कैसे चल रही है, तो ये जानबूझकर नहीं चल रही है, ऐसा चलने पर हम लोग मजबूर हो गए हैं।
तो बहुत ही कीचड़ है रास्तों में, ये देख सकते हैं आप, देखिए बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है। और इस तरह की कंडीशन हो चुकी है रोड की। तो मेरी प्यारी YouTube फैमिली, जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 जनवरी को स्मायरा का बर्थडे भी है, तो हम लोग बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। और ये कुछ एक क्लिप्स थे मेरे पास जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो मेरे भाई की बेटी का बर्थडे है, तो आप लोग भी ज़रूर आना, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन भी हो रहा है। तो हम लोगों को ये सब ले जाना पड़ रहा है, कद्दू, तो इनकी हम सब्जियाँ वगैरह बनाएंगे। तो आगे मैं अपने ब्लॉग में छोटे छोटे बच्चों की आपको कारस्तानियाँ भी बताऊंगी, बहुत ही क्यूट होते हैं छोटे छोटे बच्चे, देख लीजिए। और ये अपने ही धुन में मस्त हैं। तो यहाँ पे गांव में एक मासी जी का ऑपरेशन हुआ था, तो हम लोग उनके साथ बातचीत करने गए थे कि उनका हालचाल पूछ के आते हैं। तो ये उनकी दोनों पोतियाँ थी, तो जब भी हम उनके घर जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और मुझे भी इनके साथ बहुत ही अच्छा लगता है बातचीत करना। तो इनका डांस आप लोग भी देख लीजिए। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और 8 जनवरी को हमारा ब्लॉग देखना ना भूलें, क्योंकि वो वाला ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उस दिन बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ होगा स्मायरा के लिए। तो आप लोग भी आइएगा ज़रूर, तो हम आपके लिए कुछ नए क्लिप्स भी लेके आएंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो वहाँ से बाबा जी के कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी दिखाया था उनको। तो मिलते हैं अब कल ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और एक बार फिर से जीत हरियाणवी ब्लॉग और सुजाता सिंह को मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। ये साल आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो मिलते हैं अब कल ही।